देहरादून से हम बात करेंगे, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की अहम बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में परिवहन मुख्यालय में ये बैठक रही और परिवहन मंत्री चंद्रराम दास बैठक में मौजूद रहे। तमाम टैक्सी संचालकों से भी सुझाव दिए गए। अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए कई बड़ी बैठकें की जा चुकी हैं। सीएम ने कहा कि पिछले दिनों मैं जोशीमठ गया था और औली में लोगों ने एक मैराथन का आयोजन भी किया था, जिससे बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग शामिल हुए। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहां से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। चार अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ औली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहां से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार। तो चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की अहम बैठक रही है। सीएम की अध्यक्षता में परिवहन मुख्यालय में ये बैठक हुई, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए अब कम समय बाकी रह गया है और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी तेज है। अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की अहम बैठक यहां पर रही। तो देखिए चारधाम यात्रा जो कि उत्तराखंड के लिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा खास रहती है और आय का एक मुख्य स्रोत भी है उत्तराखंड के लिए ये चारधाम यात्रा। पिछले साल की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ लोग जो है वो यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे थे और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इस बार भी वही रिकॉर्ड तोड़ा जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं, लेकिन परिवहन मुख्यालय में ये जो बैठक रही है इसमें कौन कौन से दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए, एजेंडा क्या रहा इस बैठक का? देखिए चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को शुरू होने वाली है, उससे पहले ही तमाम विभागों ने अपनी तैयारियां कर ली है। अगर हम परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको आज मंत्री चंद्रराम दास ने जरूरी निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जितने भी टैक्सी मैक्सी और जो टूर एंड ट्रेवल्स के जो पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों से बातचीत की और ये कहा है कि वो अपने अपने ग्रीन कार्ड बनवा लें। ग्रीन कार्ड के बिना किसी को भी चारधाम यात्रा में एंट्री नहीं होगी और साथ ही साथ तमाम लोगों से ये भी कहा गया है कि जो भी लोग जाए उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ क्योंकि ड्राइवर्स लंबे रूट गाड़ियां चलाते हैं उनके आराम का खासतौर पर सरकार ध्यान रखेगी, उनके रहने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए ताकि इस तरह का कोई हादसा ना हो और साथ ही साथ जो लोग चारधाम यात्रा पर जाए वो सुरक्षित और सही यात्रा कर पाए। बिल्कुल, सुरक्षित यात्रा हो और सही यात्रा यहाँ पर की जा सके। नासिर, देखिए क्योंकि उत्तराखंड में पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, इस बार प्रशासन की तैयारियां कितनी ज्यादा ऐसी नजर आ रही हैं कि जो दर्शक हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उन्हें और भी ज्यादा लुभाया जा सके? देखिए तैयारियां पूरी हैं सरकार की तरफ से और कोई कमी ना रह जाए इसको लेकर के लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, पर्यटन विभाग हो और या फिर अब परिवहन विभाग, तमाम विभागों की समीक्षा बैठक लगातार मंत्री कर रहे हैं और जो फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं जो चारधाम यात्रा में काम करेंगे उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि कैसे यात्रियों की सुरक्षा का और साथ ही साथ यात्रा अच्छी तरीके से रहे और ज्यादा से ज्यादा यात्री यात्रा करने के लिए पहुंचे इसका ख्याल रखा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार समीक्षा बैठकें लगातार की जा रही है। बिल्कुल, जब भी चारधाम यात्रा की बात हो तो जोशीमठ का जिक्र करना भी यहां पर जरूरी हो जाता है। नासिर, तो क्या इस समय जो जोशीमठ को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि एक पूरा प्रकरण रहा, जोशीमठ के लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं डर है, तो वहां पर एक खास तैयारी करने की जरूरत क्या सरकार को चारधाम यात्रा को लेकर नजर आ रही है? देखिए जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू करने की बात कही गई तो सबसे पहले जो जोशीमठ है वहाँ के जो लोग हैं जिनका विस्थापन होना था उनको विस्थापित किया जा रहा है और जो लोग ऐसे होटलों और लॉज में रुके हुए थे उनको भी वहाँ से हटा करके उनका पुनर्विस्थापन किया जा रहा है।
ताकि जो यात्री वहां पर पहुंचे, जोशीमठ पहुंचेंगे, उसके बाद लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, तो ऐसे में वहां पर भी अगर यात्री आते हैं तो उनको किसी का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। और इस तरह के हालात जोशीमठ में बने हैं, कई होटलों को तोड़ना पड़ा और कई होटलों को खाली भी कराना पड़ा है, तो ऐसे में जो बाकी बचे हुए होटल है वहां पर किस तरह की दिक्कत ना हो, लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नासिर, पिछले साल जो पर्यावरण प्रेमी थे उनकी ओर से आवाज उठाई गई थी कि चारधाम यात्रा में जो भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं चारधाम यात्रा करने को लेकर, अक्सर वो घोड़ों का सहारा लेते हैं, खच्चरों का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुर्दशा होती है। इसके लिए सरकार से पिछले साल से जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी हमने देखा मांग की जा रही थी, क्या इस तरफ भी सरकार का कोई ध्यान है? देखिए, बिल्कुल, जो पशुपालन विभाग है और उनके जो मंत्री है सौरभ बहुगुणा, उन्होंने ये बात तमाम लोगों से भी कही है और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी घोड़ों कचरों का इस्तेमाल किया जाएगा उसका खास ख्याल रखा जाए। खास तौर पर पर्यटन विभाग और धर्म संस्कृति विभाग से भी ये कहा गया है कि जो भी लोग इन घोड़ों कचरों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था, क्योंकि वहां पर ठंडा मौसम रहता है, ठंडक होती है, ठंडा पानी मिलता है, और इसकी वजह से उस पानी को पीने की वजह से भी घोड़े और खच्चरों की हालत खराब हो जाती है और बहुत ज्यादा वजन ले जाने की वजह भी, इसलिए उनके लिए वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था और बहुत ज्यादा वजन का इस्तेमाल इन घोड़ों खच्चरों पर ना किया जाए, इसको लेकर भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।